हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संजय क्लासेस। मैं आकाश शर्मा आज आपके लिए आया हूँ कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर चैप्टर का सेकंड पार्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर जो चैप्टर है वो 11th क्लास की NCERT का चैप्टर है, और इस चैप्टर में हमने नई नई डिस्कवरीज और नए नए कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की थी। जो कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कवरी हुई थी उन कॉन्टिनेंट्स के नाम है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। बेसिकली हम साउथ अमेरिका में बात होता है। दोस्तों, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को खोजने का श्रेय जिस बंदे को जाता है, आज हम उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने शायद नाम सुना होगा, कभी ना कभी तो नाम सुना ही होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस पोर्टुगीज व्यक्ति था, पुर्तगाली व्यक्ति था। कुछ कर दिखाया ऐसा कि सब कुछ बनना चाहे, सब दुनिया बनना चाहते थे, बिल्कुल शायद यही सोच लेकर के उसने एक ठाना कि मुझे भी कुछ करना है और उसने सोचा कि इंडिया, उसने इंडिया के बारे में काफी सुना था कि ये वो देश है जहाँ सोने चार जहाँ सोने और चांदी के व्यापार होते हैं, मसालों का ट्रेड होता है, जहाँ पे जो भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए जाता है वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध और पैसा लेकर के अपने देश वापस लौटता है। इसके लिए मन में है कि चलो मैं भी जाकर जो है ईस्ट इस देश में व्यापार करने जाता हूँ। तो ये अपना प्रपोजल लेकर के अपने देश के पोर्टुगीज किंग के पास जाता है। पोर्टुगीज किंग मना कर देता है कि भाई साहब, हमें तुम्हारे इस प्रपोजल से कोई लेना देना। तो फिर ये हारता नहीं है, दोबारा से प्रपोजल तैयार करता है और ये फिर इस बार स्पेन के किंग के पास जाता है और वहां से उनसे बोलता है कि सर, मुझे ऐसी ऐसी यात्रा करनी है, समुद्री यात्रा करनी है और मैं एक नया रास्ता खोलना चाहता हूँ जहाँ से हम इंडिया पहुंच सके और व्यापार कर सके। तो पोर्टुगीज किंग को इसकी बात अच्छी लगती है और वो इसकी जो ट्रैवल एक्सपेडिशन है उसका एक्सपेंस उठाने के लिए, उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार है। कोलंबस पोर्ट ऑफ पैलोस, पैलोस के पोर्ट से जो है 3 अगस्त 1492 3 अगस्त 1492 को जो है यात्रा करना स्टार्ट करता है। ये अकेले आदमी नहीं जाता, इसके साथ में अटलांटिक क्रॉस करना होता है, जैसे इसके साथ में 40 और नाविक जाते हैं और एक बड़ा जहाज जिसे सेंटा मारिया जिसे खुद चला रहा था, जिसका कैप्टन खुद था, और इसके साथ में 2 चिल्ड्रन शिप जिसका नाम था पिंटा और नीना, ये 2 शिप और कोलंबस सेंटा मारिया जहाज के साथ में 40 नाविकों के साथ जो है एक्सपीडिशन पर निकलता है। लगातार 33 दिन तक एक ही डायरेक्शन में यात्रा करते 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 बिना कुछ देखे, यानी कि दिख क्या रहा है, सामने समुद्र है, समुद्र अथाह सागर, उसके आगे कुछ नहीं। ये 33 दिन तक की लगातार यात्रा से इसके साथ में लोग थकावट हो जाती है, थकान जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो वापस चलो, कहीं कुछ नहीं, काम है कहीं नहीं जाना, मगर कोलंबस नहीं आना। फाइनली 33वें दिन पर इन्हें समुद्र में थोड़ा सा एक लैंड दिखाई, कोलंबस खुश हो जाता है कि चलो वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचता है तो 12 अक्टूबर 1492 पर जब वो लैंड देखता है उसे लगता है कि ये हाँ इंडिया है। वो एक्चुअल में इंडिया नहीं होता दोस्तों, वो क्या होता है, गुआना नहीं, बहामास, कैरिबियन आइलैंड के पास में, जिसे एक बहामा शहर, बहामास देश है, बहामास के पास में एक गुआना नहीं जगह है, वहां पर पहुंचता है। वहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो एरिया अरावाकी लोगों का इलाका था। तो अरावाकी लोग देखते हैं कि अरे कोई लोग इनके पास आ रहे हैं, इनके समुद्र इनके जगह पर आ रहे हैं, तो वो लोग इनका बहुत स्वागत करते हैं। आपकी बुक में कुछ स्केच दे रखा है, आप कौन से लिखेंगे, तो उसमें कुछ लोग जो है लैंड में खड़े होकर के थोड़े ट्रैवल कम्युनिटी के तरीके हैं, कुछ लोग जो है शिप के लिए आ रहे हैं, तो वही बुक इंटरव्यू अडेप्ट करती है कि कैसे कोलंबस उस जगह पहुंच रहा है। तो दोस्तों, कोलंबस जब वहाँ पहुंचता है तो वहाँ के लोग उसका बहुत स्वागत करते हैं, उसको खाने पीने की चीजें देते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कोलंबस उनकी दरिया देने को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि चलो जहाँ पहुंचे थे इतनी बड़ी थकावट के बाद जहाँ पहुंचे कम से कम वहाँ अच्छे लोग को मिले। और वहाँ पहुंचने के बाद कोलंबस वही अपने यूरोपियन वाली हरकत करता है, जैसे कि जैसे वहाँ पहुंचता है सबसे पहले वो जो है अपना स्पेनिश फ्लैग, क्योंकि उसकी यात्रा को स्पेन के राजा ने जो है फंड किया था, इसलिए वो वहां पर जाकर के स्पेन का झंडा गाड़ देता है और खुद को वहां के लोगों से परमिशन लिए बिना उस एरिया को वायसराय घोषित कर देता है। यही नहीं, वो वहां पर क्रिश्चियन प्रेयर भी अटेंड करता है और वहां के लोगों को जो है क्रिश्चियन बनाने की जो है तकनीक की तरफ पहला कदम उठाता है। इसके अलावा ये उन लोगों की सहायता से जो है उन लोगों की सहायता से थोड़ा सा और आगे जाता है। क्यूबानिस्तान जो प्रेजेंट का नाम क्यूबा जैसा जो देश है, तो यूएसएसआर में यूएसएसआर का जिसका टाइप था उसी क्यूबा देश की है, क्यूबा से शायद की तरफ आइलैंड की तरफ जाता भी है। दोस्तों, इसे लगता था कि कहाँ पे जा रहा है, क्यूबा नहीं है, उसे इसे लगा कि वो जापान है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ तक ही थोड़ा बहुत रहने के बाद अभी से जो है वापिस जाने का, चलो अभी वापिस जाना है।
उससे वापिस जाने से पहले इसे बहुत इसे तो कुछ दिक्कतें भी आपको दिक्कतें क्या है कि यात्रा के दौरान इसे कैरिबियन ट्राइब्स का आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन समुद्री डाकुओं की कहानी है जो कि इसी एरिया की कहानी है और इत्तेफाक से वो यही वाले वही ट्राइब्स उन्हीं ट्राइब्स के जो लोग वैसे ही ट्राइब्स के लोग इनके इनके काफिले पर हमला करते हैं, काफिले मीन समुद्री नाविकों पर हमला करते हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी होते हैं और कुछ को तो जान माल के हमले के नुकसान भी होता है। अब ये लोग थक जाते हैं, ये कहते हैं पालमस से कि भैया हमें अपने घर की याद आ रही है, हमें वापस ले चलो। पालमस कहते हैं चलो चलते हैं। वापस जाने की जर्नी आने की जर्नी से ज्यादा टाइम थी, क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे समुद्री यात्रा करके और घर की याद सता रही थी। इसके अलावा समुद्री जो जहाज थे वो युद्ध की वजह से और वॉमिट लेने की दिमाग लग गई थी उसमें और वो थोड़े से खराब भी हो गए, थोड़ा ज्यादा खराब भी हो गए थे। तो यात्रा वापस की यात्रा इन्हें और टफ लगी मगर किसी तरीके से जो है अपने देश ये पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद टोटल इनकी जो एस्टिमेटेड वॉयज की यात्रा है ये करीब करीब 32 हफ्ते लगे पोर्ट पैलेस से लेकर के वापिस इन्हें अपने देश पहुंचे। वहां जाने के बाद ये अपनी सारी डिस्कवरी बताता है और इसके अलावा कोलंबस 3 और बार जो है वॉयज पर यात्रा करता है। मगर इत्तेफाक की बात और फन फैक्ट ये है कि ये अपनी जिंदगी में से कभी एहसास ही नहीं हुआ ये जिस जगह की यात्रा कर रहा है जिसे इंडिया समझ रहा है वो एक्चुअल में इंडिया नहीं है, वो कोई और ही देश है। इसलिए एक नया उद्देश्य खोज निकल गया है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिको वेस्पुक्की एक ज्योग्राफर है जिसके नाम पर इस कॉन्टिनेंट का नाम रखा। ये भी पोर्टी उसका पुर्तगाली ही है। इसने बताया कि कोलंबस जिस जगह गया है वो इंडिया नहीं है, वो एक नया देश है, नई दुनिया है और इसीलिए इसे कई जगह पर न्यू वर्ल्ड भी कहा गया। एक्चुअली इमैनुअल मुंडी किताब जिससे कोलंबस इंस्पायर हुआ था कार्डिनल पेरी द्वारा लिखित है, इसमें कार्डिनल पेरी ने ये बताया कि दुनिया जो है स्फीयर है माना उन्होंने और उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया को जो है उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर डिवाइड किया बट उन्होंने अपनी किताब में सिर्फ 3 ही कॉन्टिनेंट का जिक्र किया था। वो कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? वो कॉन्टिनेंट थे यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इन्होंने अपनी किताब में इन्होंने क्या इससे पहले तक किसी को पता भी नहीं था कि अटलांटिक को क्रॉस करने के बाद दो बड़े बड़े महाद्वीप हैं जिन्हें अमेरिका के नाम जिनको अमेरिका नाम दिया गया। तो अमेरिका वेस्पुक्की ने ये बात दुनिया के सामने लेके आया और उसका श्रेय मिला कि इन दोनों कॉन्टिनेंट का नाम इनके नाम पर रखा। अमेरिका का कॉन्टिनेंट का नाम पोर्टुगीज के कॉन्टिनेंट पर पोर्टुगीज ज्योग्राफर के नाम पर रखा गया जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुक्की। कोलंबस को भी थोड़ा श्रेय मिला मगर साउथ अमेरिका में नहीं, नॉर्थ अमेरिका के यूएसए देश में, यूएसए में एक छोटे से प्रांत का नाम, छोटे से जिले का नाम कोलंबिया रखा गया। आप लोगों ने शायद सुना भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया भी है जो इन्हीं के नाम पर जिसके नाम का श्रेय इसी कोलंबस के ऊपर जाता है। तो दोस्तों ये तो था कोलंबस के वॉयज के बारे में। मगर कोलंबस जब अपने देश वापस पुर्तगाल गया अब वो अपने साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके गया और उस इन्फॉर्मेशन ने जिस पोर्टुगीज किंग ने उनको जाने उनके फंड उनके वॉयज को फंड करने से मना कर दिया था उस पोर्टुगीज किंग ने भी बहुत फायदा उठाया इस वॉयज का। और अब हम इस वॉयज का इस कोलंबस की वॉयज का इस समुद्री यात्रा का यूरोप ने किस तरीके से फायदा उठाया अब हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों दो और फेमस लोग हैं फ्रांसिस्को पिजारो और कॉर्टेस हर्नान, इन्होंने भी जो है इस समुद्री यात्रा में और इनकी लूट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉर्टेस हर्नान। तो दोस्तों लालच की एक नई मिसाल या लालच में आदमी कितना हद तक गिर सकता है इसका एक नया मिसाल कॉर्टेस हर्नान के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्टेस हर्नान एक पोर्टुगीज व्यक्ति था, पोर्टुगीज सरदार था। इसने क्या किया, इसने मेक्सिको पर कब्जा कर लिया। उसको कब्जा करने की जो कहानी है वो बहुत ही तगड़ा, ये क्यूबा से मेक्सिको पर कब्जा करने के लिए 1519 में आया। एक्चुअली हुआ क्या, तोतोना कम्युनिटी से इसने दोस्ती कर ली। जो ऐसे कम्युनिटी है वो लगभग 3 कम्युनिटी का कंप्लाइज करके बना था जिसमें 3 कम्युनिटी को मिलकर के हैशटैग समुदाय बन गया। ऐसे समुदाय बहुत ही बड़ा बहुत ही सरल समुदाय था। इसमें एक समुदाय तोतोना समुदाय था वो इससे अलग होना चाहता और फूड डालो और लाश करो की रणनीति अपनाते हुए कॉर्टेस हर्नान ने क्या किया, तोतोना समुदाय से दोस्ती कर ली। और दोस्ती करने के बाद इसने दोस्ती की तो इनका छोटा सा तीसरा समुदाय था उसको समुदाय था उसको मरवा दिया, उस समुदाय को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसकी जब खबर
उसके राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं और उसको हराना चाहते हैं। तो मोन्तेजुमा ने अपना ऑफिशियल भेजा, अपना एक बंदा भेजा कि जाओ जाकर मिल के आओ उन लोगों से, पूछ के भाजपा से क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोगों पर हमला करना चाहते हैं और उनको जाकर के खुश करो, देखो क्या करते हैं। जब वो बंदा आया उसने देखा स्पेनिश लोगों के, जब उसने स्पेनिश लोगों के घोड़ों को देख करके, उनके गन पाउडर को देख करके और उनके वॉर की तकनीक को देख करके इतना डर गया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई भगवान धरती पे अपना बदला ले, अपने साथ दुरुपयोग किए हुए किसी दुर्व्यवहार का बदला ले लिया। उसे कॉटेज खानदान में एक हारा हुआ एक बदला लेने वाला देवता नजर आया और जब ये बातें उसने जाकर के कॉटेज अपने राजा मोन्तेजुमा को बताई तो मोन्तेजुमा और डर गया। 8 नवंबर 1519 में तेनोच्तितलान जो कि एस्टेक की राजधानी थी, अगेन मैं आपको दस्टक कमेटी को प्रॉब्लम में बताया था कि तेनोच्तितलान जो शहर है उसको उन्होंने पानी के ऊपर आर्टिफिशियल आइलैंड करके बनाया था जिसे चिनाम्पा नाम दिया था और उस खूबसूरती को देखकर स्पेनिश के लोग, स्पेन किंग स्पेनिश का एक क्वार्टर था और साथ में इसकी जो सेना के लोग थे बहुत ही भौचक्के रहे कि क्या चीज़ है इतनी खूबसूरत, बल्कि कुछ ने तो ये भी कहा कि अगर सपना तो नहीं देख रहा हूँ कहीं, ये कौन सी जगह है तो आप इसका कल्पना भी नहीं की जा सकती है, मगर उन्हें कुछ जगह से इतनी खास हमदर्दी नहीं थी, खाली थोड़ा सा उनके चौक थे और उस शहर की खासियत ये थी क्योंकि इनका अपना शहर मैड्रिड था, वो शहर तेनोच्तितलान जो राजधानी है वो इनके अपने शहर मैड्रिड से जो कि स्पेन का सबसे बड़ा शहर है वहाँ से उस शहर से लगभग 2 गुना बड़ी और कम से कम 5 गुना ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन थी, इतना डेंस और पॉपुलेटेड इलाका था। इस बार उसका स्वागत उन्होंने खुद मोन्तेजुमा खुद उसका स्वागत करने आया और उन लोगों को लेकर के जो है कॉर्टेस हर्नान को लेकर के वो अपने महल में गया जो कि बिल्कुल बीचों बीच था। जब लोगों को पता चला कि भाई साहब कॉर्टेस हर्नान जो कि स्पेनिश व्यक्ति है जिसने एक सम्राट उन्हीं के पास एक समुदाय को खत्म कर दिया है और वो हमारी ही राजधानी में हमारे राजा के घर में बैठा हुआ है तो लोग बहुत डर गए। कुछ ने तो ये भी कहा कि कॉर्टेस हर्नान ने कि मोन्तेजुमा ने अपने घर में दानव को बुला लिया है और वो दानव उसकी घर में बैठ के उसको खुश करने की कोशिश की जा रही है और मोन्तेजुमा ने तरह तरह के गिफ्ट और बहुत सारे लालच देने की कोशिश की, मगर क्योंकि उसके लालच के पीछे लालच देने के पीछे उसका एक डर था और वो डर गलत नहीं था। कॉर्टेस हर्नान ने बड़ी चालाकी से राजा को उसी के घर में गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर लिया और वो उसके नाम पर रूल करने लगा और पॉलिसी करने लगा। उसने बहुत जल्दी जो है सोने चांदी के जो सोना सोने को एक्स्ट्रा करवाने के लिए लोगों को जो है वहां पे काम पे लगवा दिया और माइनिंग स्टार्ट करवा दी और वहां से वो सोना भर करके जो है अपने देश भेजने लगा। कॉर्टेस हर्नान ने किंग के साथ और भी बदतमीजी करते हुए उसने क्या किया, अपने उस जगह को तेनोच्तितलान को स्पेन का बनाने के लिए उसने वहां के मंदिर को डेमोलिश करना शुरू कर दिया और मंदिरों में जो है अपने ईसाई धर्म की जो मूर्तियां स्थापित करना शुरू कर दी। तेनोच्तितलान ने बोला, मोन्तेजुमा ने बोला भी कि क्यों ना हम दोनों मिलकर के इस मंदिर को कर ले, मगर इसने किसी की नहीं सुनी। हाँ, जब उसने ये देख लिया कि पूरा का पूरा शासन है उसके अंदर पूरे अंदर कंट्रोल है तो वो अपना एक बंदा अल्वारादो जो है को छोड़ करके और सब कुछ जो है वहां से वो क्यूबा के लिए रवाना हुआ। जब वो क्यूबा के लिए चला अल्वारादो उससे भी ज्यादा खूंखार और डर गया। इसने क्या किया, इसने लोगों पे और क्रूरिटी करना स्टार्ट कर दिया। क्रूरिटी किस तरीके से, उनको मारना पीटना उस तरीके से। जब अल्वारादो ने क्या किया, जब लोगों ने उसको अपोज किया तो इनका फेस्टिवल था, वसंत का फेस्टिवल था और उस वसंत के फेस्टिवल में उसने आम जनता को इस कदर मौत की घाट उतार दिया कि लोगों की उसका नाम सुन के भी रो रहा। 25 जून 1520 को जब कॉर्टेस हर्नान वापस क्यूबा से इनसे अपने देश के यहाँ पर मिलने आया तो उसने देखा कि भाई साहब क्योंकि वो तेनोच्तितलान जाने के सारे रास्ते जो है लोगों ने बंद कर दिए, सब पुलों को काट दिया गया है, रास्तों को तोड़ तहस नहस कर दिया गया है। कॉर्टेस हर्नान समझ गए कि भाई साहब बहुत ही बड़ा जो है वहाँ पे कांड कुछ ना कुछ होगा है तो सर, और बाहर भी जो है ऐसे की सेना ने कॉर्टेस हर्नान के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, मगर जीत कर तो कॉर्टेस हर्नान नहीं आया और इसमें बहुत सारे तेनोच्तितलान के एस्टेक निवासी मारे गए, एस्टेक कम्युनिटी के सोल्जर्स मारे गए। इसी दौरान रहस्यमय तरीके से जो है मोन्तेजुमा की मृत्यु हुई और वहां पे नया किंग बन गया। जब नए किंग का नाम, नए किंग का नाम था क्या, क्वातमा। क्वातमा जो नया किंग था इससे रणनीति बनाने के लिए ये वापस जो है अपने दोस्त कॉर्टेस हर्नान वापस अपने दोस्त क्वातमा कम्युनिटी के पास गया और वहां उसने नई रणनीति स्थापित की। जब तक बर्बाद दोनों ही हो रहे थे मगर तेनोच्तितलान को ज्यादा ही बर्बाद हो गया था। कैसे, तब एक तो युद्ध से हार रहा था, उनके राजा को मार दिया गया था, नया राजा की पॉलिसी
राजा सुधार करने की कोशिश तो कर रहा था, मगर एक और जो हिडन प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि तेनोचित्रान यूरोपीय द्वारा क्रुएल्टी से ही मरा। यूरोपीय लोग अपने साथ कई सारे बीमारी भी लेके आए थे, बीमारी न सिर्फ रोके बंदूक में भर के नहीं लेके आए थे, उनके जो इम्यून बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था वो स्ट्रांग था और उन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक था, तो उनके साथ जो बैक्टीरिया जो फंगस उनके साथ आया वही बैक्टीरिया फंगस जब वहाँ के एस्टेक लोगों से मिला तो उन्होंने उसको स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में तब्दील कर दिया और हजारों की तादाद में जो है एस्टेक के लोग मरने लगे। घुस गया और वहां पर भयंकर कत्लेआम करने के बाद एक तरीके से एस्टेक का अंत ही हो गया और वो पूरा का पूरा एरिया उसने अपने हाथ में ले लिया और कब्जा कर लिया और उसे न्यू स्पेन का नाम दिया कि ये न्यू स्पेन और मैं यहाँ का गवर्नर जनरल हूँ। और ऐसा करने की वजह से और फिर उसने जो है खुलेआम जो है माइनिंग करना स्टार्ट किया, गोल्ड से भागा करके वो अपने देश स्पेन भेजना किया, स्पेन में उसका बहुत सम्मान हुआ और उसे नई नई उपाधि और नई नई इलाके दिए गए। इसके अलावा उसने इन इलाकों के अलावा तेनोचित्रान के अलावा आसपास के जितने भी गाँव और कम्युनिटी के लोग थे उसने जिले में सबको कब्जे में ले लिया और एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो है स्पेन का साम्राज्य मैक्सिको बना दिया, मैक्सिको को न्यू स्पेन का नाम दिया। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, अभी हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं जिसके बारे में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि भी किसी और डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके व्यूज आपके कमेंट्स अगर कोई भी क्वेरी है आप हमारे कमेंट्स में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को उस कमेंट्स को उस क्वेरी को खत्म करूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।